बस हमारे बचपन की तो ऐसी बातें हैं कि बहुत सी बातें बताई भी नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा? ये मेरी छोटी बेटी है अलीना। माशाल्लाह आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। आपकी बेटियों के रिश्ते हो गए? नहीं भाई, अच्छा खासा मरहला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों के रिश्ते ढूंढना। और हमारी बेगम तो राशिद भाई इसी सिलसिले में हलकान रहती हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकोदो करनी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी टेंशन दूर हो गई है। यकीन मानिए आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ तो हम इतने लोगों को जानते भी नहीं है, और रहा रिश्तेदार वो तकरीबन सारे लोग बाहर ही है। यकीन करें मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये आपका अपना घर, जब दिल चाहे आया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन, बल्कि दूसरा चक्कर मैं बहुत जल्द लगाऊंगी। अरे भाभी मुजफ्फर भाई, कुछ ले तो सही। हाँ हाँ क्यों नहीं लेंगे भाई, अपना ही घर है। जी जी ये आपका घर है। अच्छा चाय तो ले, ठंडी हो रही है। जरूर जरूर, चाय मैं जरूर लूंगी। यहाँ बैठ कर क्या सोच रही है? सोच रही हूँ किससे शिकवा करूं, अपनी बुरी किस्मत से या उमेर की छोटी मोहब्बत से। काश इंसान अपने हाथों की लकीरें पढ़ सकता ना, तो उसके साथ इतना बुरा ना होता। क्या अच्छा होता आप उल्टा जिंदगी और जहन्नम हो जाती, तो आप ही कौन सा जन्नत। काश मुझे पता होता कि उमेर मेरे साथ ये करने वाली, मैं कभी उसे अपने दिल में जगह ना देती, मैं कभी उसे उम्मीदें वापसता ही नहीं करती। उसने आपके साथ इतना बुरा किया और आप अभी भी उस शख्स के बारे में सोच रही हैं? आप खामखा खुद को तकलीफ पहुंचा रही हैं। जो हुआ उसको भूल जाए और कोई ढंग का काम करे बस। मतलब जॉब कर ले या आके पढ़ाई शुरू कर दे। सबके बारे में जितना सोचेंगी उतनी अजियत होगी, इस तरह से तो मर जाएंगी आप। काश काश मैं मर ही जाऊं। अरे क्या हो गया, क्या बात है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो मॉम ने अचानक बुला लिया? आपके लिए मॉम ने लड़की पसंद कर लिया, हो गई तसल्ली, अब चले चले अब।
अरे पर मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं बात में क्या हो गया ऐसा? कहां गई है आखिर? इतने दिन हो गए मुझे उसके घर के चक्कर लगाते, एक बार भी उसे नहीं देखा। ना अपना व्हाट्सएप चेक कर रही है, ना सोशल मीडिया, बिल्कुल गायब हो गई है। और वो लोग कौन थे जो आज उर्वा के घर आए थे? देखकर तो लग रहा है जैसे खासे रईस लोग हैं, मगर वो थे कौन? मैंने तो इतने साल में कभी नहीं देखा उन्हें। कौन थे वो? भाई अब तो अरसल भी आ गया है, क्यों इतना सस्पेंस रख रही हो? कौन है वो लड़की? फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका? लड़की उसकी फैमिली को आप अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या फाइनल हुआ ये आपको अरसल खुद बताएगा। क्या मतलब? मैं जानता हूं। क्यों? राशिद भाई की फैमिली को आप नहीं जानते क्या? राशिद? जी हाँ, राशिद भाई की बेटी उर्वा की बात कर रही हूं मैं। ओ उर्वा, वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसका मतलब है तुम्हें उर्वा अरसल के लिए पसंद आई? जी हाँ, मुझे तो वो बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अरसल को पसंद है, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रही? मॉम, एक्चुअली यू आर राइट, मुझे उर्वा वाकई बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन बस देख लिया, तुम्हारे बात करने से पहले मुझे पता चल गया, क्योंकि माँ हूं ना मैं तुम्हारी। गजरफर, आप बताइए, आपको कोई इतराज तो नहीं है? आप इजाजत दें तो हम उनके घर जाएं और रिश्ते की बात करें। भाई इसमें तो इतराज की कोई बात ही नहीं है, राशिद मेरा पुराना दोस्त है, अगर वो अरसल का रिश्ता अपनी लड़की के लिए पसंद कर लें तो भाई मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की क्या बात होगी। मॉम मैं भी चलूंगी, और अरसल भाई मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं अप्रूव करूंगी वरना कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है बाबा, आप पहले अप्रूव कर लेना, फिर हम रिश्ते की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के घर आऊंगी। मैंने भी आपसे कहा था कि ये आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाया करें, और आपको यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। अरे उर्वा बेटी, कैसी? इधर आओ मेरे पास बैठो। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। भाई राशिद, मुलाकात तो बस एक बहाना है, असल में हम एक खास मकसद से आए हैं आपके पास। कैसा मकसद गजनफर? मैं बताती हूँ, हम आपकी बेटी उर्वा का हाथ अपने बेटे अरसल के लिए मांगने आए हैं। राशिद, लगता है शर्मा गई है। ये सब बाहर क्या बात कर रहे थे?
आपी? वो आपकी शादी की बात कर रहे थे। अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए आपके लिए। क्यों? क्या मतलब क्यों? अरे जाहिर आप पसंद आई है उनको। तो मेरा खाता में किसी को कैसे पसंद आ सकता है? आप भी ये कोई शर्त तो नहीं है, पसंद आने के लिए तो झलक ही काफी होती है। मैंने क्या सोचा था, अभी मैं आगे पढ़ूंगी, देने कितने हुए मेरी और उमेर की। अभी भूल जाना वो सब। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? नहीं भूल सकती मैं। तुम भूल सकती हो हारून, जल्दी किसी और शख्स का हाथ थाम सकती, मैं तो नहीं भूल सकती। आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दें आपको, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी अगर आपको कोई भी इतराज हो तो बिला तकल्लुफ हमें बता दें, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। नहीं नहीं गजनफर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें भाभी, ये हमारे घर की बात है, मेरे और राशिद की दोस्ती पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप घबराए बगैर बता दें जो भी आप सोच रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ हमारी नहीं अरसल की भी ख्वाहिश है, और सच माने तो मुझे तो उर्वा बहुत पसंद आई। नहीं नहीं भाभी, ये तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि आपको हमारी बच्ची पसंद आई है। भाई साहब दरअसल बात ये है कि मैं आपसे बात कुछ नहीं है, मकसद इससे अच्छी और क्या बात होगी, हमें ये रिश्ता दिलो जान से कबूल है। कबूल है जी, कबूल है। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई, उठो गले मिलो। आपको भी मुबारक हो भाई, आज ये दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो गई। क्यों नहीं, खुशनसीबी है हमारी। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आपको भी मुबारक हो। आपको मुबारक हो। अरे भाई वो उर्वा था, उसको तो बुलाइए, जरा मुंह तो मीठा कर, अब तो बात पक्की हो गई। हाँ क्यों नहीं, बैठो बैठो। अलीना गई है उसे। हाँ प्लीज मना करो उन्हें, से नहीं होगा ये सब। अभी मैं कैसे मना कर सकती हूँ, उन्होंने हाँ कर दी और वो रसम करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, पहले भी इस सब से गुजर चुकी हूँ, मैं दोबारा इससे नहीं गुजर सकती, समझो। अलीना उर्वा क्या बात है, तुम दोनों यहाँ खड़ी हो, मैंने तुम्हें भेजा था ना उर्वा को। एक बार फिर से मेरा रिश्ता तय करते हुए मुझसे पूछा तक नहीं, मुझसे बगैर पूछे हाँ कर दी। उर्वा तुम जानती हो ना, तुम्हारे अब्बू ने फौरन फैसला कर दिया और मेरा बीच में बोलना मुनासिब नहीं लगा मुझे। अरे सच पूछो तो लोग बहुत अच्छे, इतनी प्यार और मोहब्बत से तुम्हें अपनाना चाहते हैं। अम्मी वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। अच्छा ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वाह खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत बनाओ अपने बाप की इज्जत का तमाशा घर आए मेहमानों के सामने। पहले ही हम बहुत जिल्लत बर्दाश्त कर चुके, बहुत कुछ सह चुके, इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा। ऐसी कौन सी हूर परी छुपा रखी है उन्होंने जो इतने सवालात कर रहे हैं? मेरे भाई में कोई कमी नहीं है, और मर्दों की तलाक का कौन पूछता है? जैसे आपकी मर्जी, मेरा फर्ज बनता था आपको साफ बात बताना। चलें बाकी मैं बाद में आपको फोन पे बता दूंगी, चलती हूँ। पैसे ले रही है और जता ऐसे रही है जैसे एहसान कर रही हो। इसकी बातों से तो लगता है मुझे अंबर कि उमेर की शादी नहीं हो सकती। अम्मी बस करें, दिन रात उसकी शादी 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 शादी, कान पक गए हैं मेरे, हो जाएगी शादी उसकी। अरे ये रिश्ते वाली के चक्कर में ना मैं तुम्हें बात बताना भूल गई, वो उमेर को ससुराल से घड़ी नहीं मिली थी, कहने लगा दे दे किसी को, मैं नहीं पहनूंगा। हाँ तो मत पहने, उसके पास कौन सा चीजों की कमी है। आप चले मुझे दे देना, मैं किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। हाँ ठीक है मैं तुम्हें दे देती हूँ, ला के देती। अरे उसको तो ब्रांडेड घड़ी दी थी ना, बेच दूंगी, अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी उसकी तो।
बस जी, आज सुरवा हमारी मानत आप लोगों के पास है, ठीक है? जी जी बिल्कुल भाभी, क्यों नहीं। हाँ राशिद, हम अब इसे ज्यादा देर यहाँ नहीं रहने देंगे, बहुत जल्द रुखसत करा के ले जाएंगे। मैं पहले से बता रहा हूँ तुम्हें, अब तबीयत जल्दी से ठीक कर लो अपनी, ठीक है? नहीं नहीं गजनफर, ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी अमानत है, और यकीन जानो ऐसा लग रहा है कि मैं पल में ठीक हो गया। तुम जब चाहे अपनी अमानत ले जाओ। भाई ये बात बिल्कुल जबरदस्त कही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह ने गजनफर को फरिश्ता बनाकर भेज दिया और उसने मेरे कंधों से कितना बड़ा बोझ उठा दिया। राशिद, आपको नहीं लगता कि आपने ये फैसला बहुत जल्दबाजी में किया है? तुम्हारे ख्याल में क्या मेरा फैसला गलत है? नहीं राशिद, आप गलत समझ रहे। मैं ये नहीं कह रही, मेरे कहने का मतलब ये कि हमें उन लोगों से कुछ टाइम मांगना चाहिए था उर्वा के लिए। इनकार की क्या गुंजाइश है तुम्हारे पास? वो भी उस वक्त जब आप उर्वा का दुख अपने सीने में छुपाए बैठे हैं। देखो इन हालात में एक अच्छा रिश्ता घर आया है और तुम सोच विचार में लगी भी हो। अरसल जैसे लड़के से हमारी बेटी की शादी उसकी खुशकिस्मती है, अल्लाह ने उसको सबर का फल दिया है। लेकिन राशिद, वो लोग उर्वा के निकाह और तलाक के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें उन्हें बताना होगा। क्या जरूरत है तुम्हें कुछ बताने की? लेकिन राशिद, ओहो भाई, एक बात जब वो जानते ही नहीं तो क्या जरूरत है अभी उसके बारे में बात करने की? लेकिन कल को अगर उर्वा की शादी होगी तो खानदान के लोग, रिश्तेदार सब वहाँ मौजूद होंगे, बात तो निकलेगी ना, बाद में तो बात पता चल जाएगी। हरगिज नहीं, ये बात गजनफर उसके घर वालों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो इसको वजह बनाकर रिश्ते से इनकार कर दें। इसके लिए चाहे मुझे पूरे खानदान से बायकॉट करना पड़े, उर्वा की शादी अरसल से ही होगी, बस। इसे अरसो भाई अच्छे हैं, आपका रिश्ता उन्हीं की पसंद से हुआ, लेकिन अब्बू को एक बार आपसे पूछ लेना चाहिए था। अगर अब्बू ने हमेशा अपनी मनमानी की है, हमारी तो कमी सुनी है। मेरा रिश्ता भी अपनी जिद की वजह से तोड़ दिया। कम से कम उन्हें एक बार बता तो देते कि मैं 5 साल किसी और के निकाह में रही। अभी दो हफ्ते पहले तो उमेर ने मुझे तलाक दी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर उन्हों को इस बात का पता चलता ना, उसी वक्त ये रिश्ता खत्म कर देते। लेकिन अब्बू ने अम्मी को सख्ती से मना किया था कि ये बात किसी को ना पता चले। यानी अब्बू अपने लोगों को धोखा देना चाहते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का, जिस दिन हकीकत खुलेगी इसका अंजाम क्या होगा? आपी, कहां जा रही हैं? माना अबू के लिए मेरी राय और मेरी पसंद की कोई अहमियत नहीं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात छुपा के यूं मेरा रिश्ता तय कर दे। ये नहीं होने का। आपी, अरे राशिद, आप यहां बैठे, मैं तो आपको कमरे में देखने गई थी। कमरे में मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए यहाँ के बैठ गया। दिल तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि उन्हें हकीकत बता देनी चाहिए, वरना
तुम शायद दुनिया की वाहिद औरत हो मुमताज। खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है और तुम दरवाजा बंद कर दिए। जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हें अपनी औलाद का, उनकी जिंदगी का, उनकी खुशी का। क्या तुम ढूंढ सकती हो गजनफर जैसा घराना उरवा के लिए? राशिद, हमने तो उनका घर तक नहीं देखा। बरसों से वो मुल्क से बाहर थे, हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। देखिए, मैं मानती हूँ कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और माली तौर पे भी हमसे मुस्तहकम है, लेकिन अरे उनका पाकिस्तान से बाहर रहना हमारे हक में बेहतर है। गजनफर यहाँ ज्यादा लोगों को जानता नहीं है और ना ही भाभी का किसी से मिलना जुलना है। यहाँ हमारा सर्कल बिल्कुल अलग है उनके सर्कल से। वो यहाँ से दूर रहते हैं, उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा। राशिद, ये भी तो सोचें कि अगर उन्हें पता चल गया तो। अरे ये बात की बात है, जब पता चलेगा जब देखा जाएगा। क्या तुम चाहती नहीं हो कि उर्वा की शादी हो और मैं उसकी तलाक की अजियत से निकल सकूं? मेरे सीने में सुइयां बन के चुभ रही हैं। बस मैं समझ गया, तुम चाहती हो ना कि मैं मर जाऊं, उस नदामत से मर जाऊं कि अपनी बेटी की बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। राशिद, क्या हुआ? राशिद, अब क्या हुआ? राशिद, कुछ नहीं हुआ मुझे उर्वा बेटा, अभी मैं जिंदा हूं। मैं ये बोझ लेकर मरना नहीं चाहता बेटा कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर। नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है अबू, से कुछ नहीं। नहीं बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हें खुश और आबाद देखना चाहता है। बेटा बेटा, अपनी खुशी से तुम हर्षल से शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। बेटा, बस जी, आज सुरवा हमारी मानत आप लोगों के पास है, ठीक है? जी जी बिल्कुल भाभी, क्यों नहीं। मैं ये बोझ लेकर मरना नहीं चाहता बेटा कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर। तुम्हारा बाप तुम्हें खुश और आबाद देखना चाहता है। बेटा बेटा, अपनी खुशी से तुम हर्षल से शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। बेटा, गजनफर आपने राशिद भाई से ये क्यों कहा कि हम उर्वा को जल्द से जल्द घर ले आएंगे? भाई आप वहां लड़की देखने गई थी, बैठे बैठे आपने रस्म कर ली, तो मुझे लगा कि आपको बहू घर लाने की बहुत जल्दी है। भाई जल्दी मुझे जरूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ उन लोगों को भी थोड़ा सा वक्त चाहिए
और वो हमें जाने, हम उनको समझे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें उर्वा को भी तो देखना है, उसकी नेचर कैसी है। मॉम, मुझे क्या लगता है कि दो लोग जब तक साथ नहीं रहते ना, उनमें से कोई भी दूसरे को समझ नहीं पाता। हाँ, वक्त के साथ ये जरूर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए। वाह वाह, क्या बात कही है। वेल सेड अर्सल। असल में भाई को खुद बहुत जल्दी है ना, इसलिए चाहते ही नहीं है कि मॉम समझने समझाने में अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन एक बात बता दूं मैं, शादी बहुत धूमधाम से होगी और हाँ, सारे इवेंट्स मैं प्लान करूंगी। मेरी प्यारी बहन, ये सारी महारत एक्सपर्टीज आप अपनी शादी के लिए बचा के रखे ना, मेरी शादी में क्यों एक्सपेरिमेंट करने। प्लीज मेरी शादी में मॉम को सारी चीजें प्लान करने दो। हाँ हाँ, डोंट वरी, शादी मैं ही प्लान करूंगी, समझी। भाई ऐसा मत कहो, जो उसकी ख्वाहिशें से पूरी करने दो, खुशी का मौका है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहना चाहिए। फजल पर मैं एक बात सोच रही थी, क्या आप राशिद भाई से प्लीज ये कह दीजिए कि हमें जहेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ तो है, बस उनकी बेटी उर्वा चाहिए। फहमीदा, इसका बेहतर तरीका ये होगा कि आप उन्हें घर पे इनवाइट करें और ये बात आप खुद कहें। हाँ वाकई, वो लोग तो हमारे घर भी नहीं आए, ना घर देखा और फौरन हाँ भी कर दी, स्ट्रेंज। भाई जाहिर है, राशिद मेरा अजीज दोस्त है, उस पे उसे भरोसा है। इतनी भसीट लड़कियां, जैसे उस मनहूस के खुद की शक्ल है ना, बिल्कुल वैसी लड़कियां दिखा रही है। चलता करें इसको, हम किसी और से बात करते हैं। अरे क्या हो गया है, पूरे 20,000 रुपए दे चुकी हूँ उसको, बिना रिश्ता कराए उसे फारिग कर दूं, सारे पैसे तो मेरे जाया हो गए ना। क्या बातें करती हो। तो आपको किसने कहा था कि उसको सारे तहिये करने की अपने फैमिली की, इसीलिए तो वो इतने बुरे बुरे रिश्ते दिखा रही है हमें। नहीं नहीं, देखो ये लड़की मुझे बहुत प्यारी लग रही है ना, अच्छी है, प्यारी है और उम्र में भी कम है, मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगी। पूरे घर की जिम्मेदारी है इस लड़की पे, वरना मैं तो सोच रही थी कि इसकी जॉब अच्छी है और मैं कोई थोड़ा फायदा ही हो जाएगा, लेकिन ये तो सारे फायदे अपने घर पे देगी। नहीं, अगर ये शादी के बाद नौकरी करेगी तो जाहिर है इसकी तनख्वाह पर उमर का हक होगा। क्यों, देख ले अम्मी, इसके घर के बहुत मसले हैं, माँ है, बहन है, फिर भी अगर आपको समझ में आता है तो कर ले। हाँ मेरे ख्याल में ठीक है, उमर को तस्वीर दिखाती हूँ, अगर मान गया तो फिर चलते हैं इसके घर, चक्कर लगा के देखते हैं, है ना। उर्वा, उर्वा बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये देखो कुछ तोहफे हैं उमर के लिए। सॉरी, वो अर्सल के लिए, तुम भी चीजें देख लेना, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना, ले आएंगे। पहली बार तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको मुनासिब लगता है वैसे कर ले। ये क्या बात कर रही हो तुम बेटा, तुम्हारी राय भी अहमियत रखती है। मेरी राय अम्मी, जो आपको और अब्बू को मुनासिब लगा आपने वही किया, मेरा काम सिर्फ यह है कि आपके हर फैसले पे मैं सर झुका के हाँ कर दूं। देखो बेटा, पहले मैं तुम्हारे अब्बू की तबीयत देखकर बहुत डर गई हूँ, मैं तो ये सोचकर डर जाती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। पहले वो तुम्हारी वजह से बहुत तकलीफ में है। मेरी वजह से? हाँ बिल्कुल, मेरी वजह से ही हुआ, इसलिए तो उनका फैसला मान लिया मैंने। लेकिन ना जाने इस सब झूठे के बदले में क्या अजाब झेलना पड़ेगा मुझे।
उमेर, अरे बेटा निकलो इन पुरानी यादों से, छोड़ो उस, ये देखो, ये देखो। ये कौन है? ये बहुत अच्छी एक लड़की है, मैंने और अंबर ने तुम्हारे लिए पसंद की है। पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब करती है। भाई मैंने ये सोचा कि जॉब करेगी तो हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, हमारे साथ भी घर में हाथ बटाएगी हमारा, और क्या हो सकता है। वहां भी रिश्ता करने की बात हो रही हो? हाँ, वो गाड़ी भी इसकी थी। अरे उमेर, मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ? क्या आपको पसंद है? हाँ, बस तुम अगर ओके करोगे तो फिर मैं जाऊंगी इसकी माँ के पास रिश्ता मांगने। अम्मी, आपको जो सही लगता है आप करें, मुझसे मत पूछे प्लीज। कैसी है तुम्हारी? अच्छी है। मेरी वाली ट्राई करो, बहुत मजे की है। नहीं ऐसे नहीं, मेरे हाथों से। उमेर मैं प्लीज खुद... प्लीज ना, प्लीज ना। क्या अच्छी मेरी ट्राई करेंगे? ओके। आज तक इन्हीं लम्हों में जी रही हूं, कैसे भूल सकूंगी? कैसे उमेर को बुलाकर किसी और को इसकी जगह दे पाऊंगी? जी तो भाभी, कैसा लगा आपको हमारा गरीब खाना? बल्कि ये बताइए कि पसंद आया आपको अपनी बेटी का नया घर या नहीं? गजनफर भाई, ये कैसी बातें करें? माशाल्लाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को इस घर में आबाद रखना नसीब करे। आमीन रब्बुल आलमीन। आंटी, आप भाभी को नहीं लाई? भाई को कब से इंतजार था भाभी का। हाँ ना, आपको उर्वा को अपने साथ लेकर आना चाहिए था, कम से कम अपना घर तो देख लेती। शादी से पहले कोई भी चेंजेस करवानी हो तो प्लीज हमें बता दीजिएगा, हम करवा देंगे। अरे आप क्या कह रही हैं? माशाल्लाह आपके घर में हर चीज मौजूद है और आपने तो इतने प्यार से इस घर को संवारा हुआ है, इतनी तरीके से हर चीज सेट की हुई है कि मुझे नहीं लगता कि उर्वा को कोई चेंज करवानी पड़ेगी। भाई ये सब तो इनके शौक है, जब उर्वा यहाँ आ जाएगी तो तुम दोनों मिलकर जो चाहे कर लेना। बिल्कुल। अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बताइए कि आप इजाजत कब दे रहे हैं कि हम अपनी बहू को अपने घर ले आए, और जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो क्यों ना हम शादी की डेट फिक्स कर लें? शादी मेरा मतलब है, थोड़ा वक्त हो तो मुनासिब है, वैसे हम तैयार हैं। देखो राशिद, जहेज बहेज के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना, ठीक है ना? लेकिन अंकल, शादी बहुत ग्रैंड होगी, मैंने पूरी शादी प्लान की भी अपने माइंड में, और देखना आपने ऐसी ग्रैंड शादी कभी भी नहीं देखी होगी। वैसे हमारे घर की ये पहली शादी है तो हम तमाम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बल्कि आप लोगों के घर की भी तो पहली शादी होगी ना ये? जी जी भाभी, फंक्शन तो पहला है हमारे घर का भी, लेकिन आप तो जानती हैं कि चंद दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया, दिल का मामला है ना, तो मैं इतनी भागदौड़ नहीं कर पाऊंगा। यार तुम अकेले थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिकर की जरूरत नहीं है, मिलजुल के कर लेंगे हम लोग। जी राशिद भाई, आपको किसी भी किस्म की फिक्र नहीं करनी चाहिए, ये तमाम चीजें तो कंबाइंड फंक्शंस में भी तो हो सकती हैं। दरअसल हम लोग ये चाह रहे थे कि निकाह और रुखसती सादगी से हो। आप सब तो जानते हैं कि राशिद की सेहत ठीक नहीं रहती, हमारा तो कोई बेटा भी नहीं, घर में और कोई मर्द नहीं है, सारे काम राशिद को करने पड़ेंगे, और ये अपनी तबीयत की वजह से आजकल ऑफिस भी नहीं जा पा रहे। अच्छा ठीक है भाभी, अगर आपको मुनासिब लगता है तो ऐसे ही कर लें।
मगर बाबा। अरे भाई निकाह सादगी से कर लेंगे और यहाँ तुम्हें जितना हल्ला गुल्ला करना है वो कर लेना और घर पे उसी तरह सेलिब्रेशन करेंगे जैसे तुमने प्लान किया है, क्यों फहमिदा? वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इस तरह से राशिद भाई पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।